गाइस तो फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर WWE के अंदर एक बड़ा टाइटल चेंज हो चुका है। गाइस आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर WWE का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज कोडी रूट्स और जे उसो उनका अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप फॉर्मर चैंपियन जजमेंट डे के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहां पर कोडी रूट्स और जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर के बीच में हमें यहां पर तगड़ा सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर जैसे ही जे उसो टैग करके अंदर आते गए तो वो यहां पर इस मैच के अंदर पूरी तरह से आग लगा देते गए। और गाइस आज यहां पर ज्यादातर टाइम पर इस मैच के अंदर चैंपियंस इस मैच के अंदर कंट्रोल में होते गए और गाइस हर किसी को यही लगता है कि इस मैच को कोडी रोड्स और जे उसो रिटेन करने वाले गए। बट गाइस जैसे ही मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स के डिजास्टर किक के बाद कोडी रोड्स यहां पर क्रॉस रोड के साथ मैच को जीतने की कोशिश करते गए, तभी यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड एरिया पर आके रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते गए, जिसकी वजह से कोडी मैच को नहीं जीत पाते गए। बट गाइस इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर जे उसो जैसे ही मैच को जीतने वाले होते गए तभी सडनली अरीना के अंदर जिमी उसो अराइव हो जाते गए और वो यहां पर जे उसो के ऊपर अटैक कर देते गए। जहां पर जिमी उसो के जे उसो पर अटैक करने के बाद फिन बेलर आज यहां पर उनका फिनिशर हिट करते हुए हमें यहां पर रोल अप करते हुए दिखाई देते गए और गाइस जिमी उसो के जे उसो पर अटैक करने की वजह से आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर फिन बेलर और डेमियन प्रिंस कोडी रोड्स और जे उसो को हरा के बन चुके हैं WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। और गाइस एक बार फिर से WWE के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप चेंज हो चुका है।